टीवी की टॉप अभिनेत्रियां साथ में हो, इनके बीच में लड़ाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ ऐसा ही लाइव फीड में देखने को मिला है, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि यहां पर अब ऐश्वर्या और अंकिता के बीच में लड़ाई हुई है। अंकिता ने तो ये तक कह दिया है कि मुझसे इनसिक्योर फील करती है ऐश्वर्या और मैंने अब जाकर उससे बात कर ही ली। इन दोनों ने दरअसल जब नील को नॉमिनेट किया, और परसों जो है आपने देखा होगा विक्की कह भी रहा था कि वो दबाती है। अब यहां पर जो है मैं आपको बता दूं तो साफ देखने में मिल रहा था कि ये दोनों के बीच जो है कुछ ना कुछ कोल्ड वॉर चल रही है। और इसी कोल्ड वॉर को लेकर अब ऐश्वर्या जब उससे क्लियर करने गई तब उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, और ऐश्वर्या जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है अंकिता से। और अंकिता को लगा कि भाई मैं तो जब से तू आई है मैं तुझे एक अच्छे से ट्रीट कर रही हूं, पर तू मुझे बार बार स्नैप कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बाहर आई और वो गार्डन एरिया में विक्की को बताती नजर आई कि मुझे लगता है कि उसको मुझसे इनसिक्योरिटी है और वो मुझसे इनसिक्योर फील करती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इन दोनों के बीच में कोई इनसिक्योरिटी है या ऐश्वर्या कोल्ड वाइब्स दे रही है? पर ये दोनों जान चुके हैं कि अंकित शातिर दिमाग है। कल भी आपको याद होगा बात करते हुए नजर आए थे न्याविद के सामने कि वो आग लगाती है, वो बुझाने का काम करता है। वही विक्की जो है बोलता हुआ नजर आया कि भाई उसको दबा कर रखा हुआ है ऐश्वर्या ने नील को। तो भले ही आपस में किसी और के पीठ पीछे बात करते हो पर पहुंच जाती है घर में सभी को। तो अब विक्की के पास जाकर अंकिता ने जहां पे अभिषेक ईशा सब खड़े थे इस बात का दावा कर दिया है कि भाई उसे तो लगता है कि ऐश्वर्या उससे इनसिक्योर फील करती है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।